लगातार चोरियों का सिलसिला जारी है। बीती रात शिवगढ़ थाना क्षेत्र में दो जगह अलग अलग स्थानों पर चोरों ने मचाया तांडव। क्षेत्र में चोरों के आतंक के भय से सभी लोग हैं परेशान। अगर बात की जाए तो चौकी इंचार्ज की नाकाम पुलिसिंग हो रही है साबित। नकदी सहित जेवर रात चोरों ने किए पार। पहली घटना शिवगढ़ थाना क्षेत्र के चंदापुर रोड पर स्थित उड़ गांव की, वहीं दूसरी घटना क्षेत्र के खड़गी खेड़ा मजरे उसहा गांव की है, जहां चोरों ने बीती रात 21,000 नगद व सोने चांदी के आभूषण सहित नकदी पार कर दी है। क्या नाम है आपका? लवलेश कुमार। कहाँ के रहने वाले हो? उसहा खड़गी खेड़ा। लवलेश जी, क्या हुआ है? सर, हमारे यहाँ जो है रात में वही तकरीबन 10 बजे कल तीज थी, तो औरतें दूसरे के घर गीत गाने गई थी और यहीं पे हम आगे वाले कमरे में लेटे थे। छोटा वाला भाई मेरा दूसरे कमरे में लेटा हुआ था और जीना सर मेरा खुला हुआ है, ये रहा जीना। और इसी जीने से जो है यहाँ आए और मेरा बीच का ये दरवाज़ा खुला था और उससे मेन गेट बंद था और कमरे में मैं लेटा हुआ था, मेरा बेटा लेटा हुआ था और वहाँ से सूट केस लेके यहाँ पे उसको जो है खंगाल डाला। उसमें चाबी एक थी, सिंगल चाबी, और मेरी पत्नी का जो है बक्सा इधर वाले रूम में था। वहाँ से जो है ताला खोल के पूरी जेवरात उसी के अंदर रखी हुई थी। पहले तो दूसरे का जो है घर में रखी हुई थी, लेकिन दो दिन पहले उनको कुछ आवश्यकता थी इसलिए बक्सा जो है यहाँ ले आई थी। उस बक्से में पूरी जेवरात थी, इसमें हार था 150 तोले का और जो है दो जोड़ी बाला थे, एक झुमका था एक था बाला। सभी आभूषण सोने के थे? जी, सभी आभूषण, और एक 250 ग्राम चांदी के पायल थे और 3 अंगूठियां थी और 2 लॉकेट, एक लॉकेट बड़ा था एक लॉकेट छोटा था। मान लो समथिंग करीब 3 लाख रुपए की जेवरात थी। नकदी भी गई है? कुछ नकदी सब कुछ नहीं, सिर्फ जेवरात चोरी हुए। जी जी। कितने समय की बात है? कल ये कल वही करीब 10:30 के आसपास की। शिवगढ़ पुलिस को आप, शिवगढ़ पुलिस को आपने कितने समय जानकारी दी? सर वही करीब 10:50 में मैंने 100 नंबर को कॉल किया। 100 नंबर को? जी जी। उसके बाद 100 नंबर भी आया, SO साहब भी आए।